मुहूर्त हुआ क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मनोज सर का थैंक्स बोलता हूँ कि अच्छी स्टोरी आए और मुझे सुनाए, मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ दिन से मुझे घूमने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि उदय सर मेरी प्रोजेक्ट के लिए हामी भरे, तो मैं बेहद दिल से इनको धन्यवाद बोलता हूँ, बोलता हूँ चाहूँगा कि आगे भी इनके साथ काम करूँ और के लिए सब बने, इसके लिए इनको भी बहुत थैंक्स बोलता हूँ दिल से। और मुकेश जी जो हमारे भाई जैसे हैं, उनका मैंने काम तो देखा सिखा रही है, बहुत अच्छे एक्टर्स, बहुत अच्छे करने का विचार रखते हैं और उम्मीद है कि बहुत अच्छे करेंगे, आरसे जी भी अच्छे करेंगे और एक अच्छी टीम है। मैं चाहूँगा कि इस टीम के जरिए अच्छे काम कर सकते, हमने अच्छे से अच्छे चीज़ हम शूटिंग करने का प्लान कब से है? ये फरवरी लास्ट हम लोग शूट करने के लिए। अभी तक कौन कौन से आर्टिस्ट आपकी फिल्म में क्लियर हो चुके हैं? लीड एक्टर के तौर पे मुकेश ओझा जी हैं, आरसे जी हैं, श्वेता महाराज जी हैं और उदय डायरेक्टर से डायरेक्टर संतुष्ट हैं। डायरेक्टर मनोज जी के साथ डायरेक्टर मनोज कुमार सर बहुत अच्छे फिल्मों के कलाकार हैं। अजीब सवाल नहीं समझ रहा हूँ। आपके बहुत पुराने दोस्त हैं मुकेश जी, मुकेश जी का कुछ क्या कुछ खास बताना चाहेंगे? बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान तो है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा हम लोग बताइए कैसे इंसान है? और बहुत अच्छे एक्टर हैं, फिल्मों के बारे में इनको भी बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छी समझ है और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे और काफ़ी सालों से दूसरे लोग जानते हैं। मनोज जी कैसे आप? बढ़िया। क्या कहेंगे मुहूर्त के मौके पर? खुशी है कि मेरी एक नई फिल्म की मुहूर्त हो रही है और हम लोग कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, कुछ अलग करने जा रहे हैं, इसकी दिल से खुशी है। डेंजर्स इस क्या कुछ दिखाना चाहिए कहानी के बारे में बताइए? इस फिल्म में हम इसका एक अलग रूप दिखाएंगे। आपने तो बहुत फिल्मों में देखा हुआ है जैसी बनती है फिल्में, लेकिन इसमें आपको कुछ अलग मिलेगा। अभी मैं पूरा रिवील तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा कि ये फिल्म आपको देखने के बाद लगेगा कि आपने इस टाइप की मूवी भोजपुरी में तो नहीं देखी। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आप हमेशा ऐसा मार काट ऐसा क्या हो गया आपके साथ? ऐसा शिकारी में भी हमने देखा और फिर आप डेंजरस इश्क भी ऐसा कर रहे हैं, हर चीज़ आपका डेंजर होता है। पत्नी से तो आप ज़्यादा पीड़ा नहीं है ना साहब? खुल के बोलिए, हम लोग किसी को बताएंगे नहीं। पत्नी से कोई पीड़ा नहीं है, देख लीजिए। ओ मैं छुपा लेता हूँ इनका चेहरा। बोलिए, मैं हमेशा चाहता हूँ कुछ अलग करूँ, तो ये उसी का एक नया रूप है। और कहानी तो एक्चुअली रेगुलर जो बनती है वैसी है, लेकिन उसमें आपको एक अलग देखने को मिलेगा। और मैं हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं दर्शकों को कुछ अलग दूँ, ताकि वो लगे कि वो फिल्म देख रहे हैं तो कुछ नया देख रहे हैं। अगर स्टार कास्ट की बात करें, मुकेश जी को आपने साइन किया, आपने अर्शिया को साइन किया, आपने श्वेता महाराज और सर को, तो क्या कुछ आपने देखा उदय सर में? आपको ऐसा डेंजर क्या दिखा? मैं एक्चुअली कास्टिंग अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से करता हूँ, के हिसाब से करेक्टर के हिसाब से करता हूँ। तो इस बार जैसा करेक्टर था इस हिसाब से था, उसमें मुझे लगा कि उदय जी को काम करना चाहिए, उनके साथ ही मुझे काम करना चाहिए इस फिल्म में, क्योंकि ये करेक्टर उनसे बेटर कोई नहीं निभा सकता है। और मुकेश के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, तो उनके लिए भी जब मैंने लिखा तो मेरे दिमाग में था कि ये करेक्टर ये कर सकते हैं बहुत अच्छा से, इसलिए मैंने उनको लिया। और अर्शिया तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं इनको जानता हूँ, इनकी फिल्में देखी मैंने अभी जो बॉस आई बॉस, हाँ, तो मुझे लगा कि कास्ट करना चाहिए। एक्चुअली जो भी कास्टिंग मैंने की अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ओके चलिए सर।